नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी में घमासान तेज। बागी अखिलेश यादव के बाद चाचा शिवपाल ने जारी की 68 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नाराज अखिलेश ने 235 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। आधी रात को अरुणाचल प्रदेश में खड़ा हुआ बड़ा सियासी संकट। पीपीए ने सीएम पेमा खांडू समेत 7 विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। तकाम पारियों बनाए जा सकते हैं नए मुख्यमंत्री। आज शाम तक ही बैंकों में जमा होंगे पुराने नोट। कल से 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा पाएंगे 500 और 1000 के नोट। 31 मार्च के बाद पुराने नोट मिलने पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर में चोरी। 2 कंप्यूटर, लेटर हेड और जरूरी कागजात ले उड़े चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड में गोड्डा के ललमटिया में बड़ा हादसा। कोयला खादान धसी, करीब 40 मजदूर कोल्ड फील्ड में फंसे। राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम बरकरार। रात में पारा गिरने से बढ़ गई सर्दी, कई ट्रेनें लेट। और चुनाव में हैकिंग को लेकर रूस और अमेरिका में बढ़ी तनातनी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 35 रूसी राजनयिकों को निकाला, रूस ने भी दिया जवाब। इंग्लिश पढ़ाने वाले 28 अमेरिकी संस्थानों को तत्काल बंद करने का दिया आदेश। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।